जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सर्वसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्यार्चकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावांतरज्जे। सोलह नंबर का काव्य पढ़ें। हे भगवान, आपने अनंत गुणी विशुद्धताओं को का अतिशय आलम्बन लेकर सुदृढ़ समस्त कसाय रूपी कीट को किट कालियों के कीट को भमन किया है। उसके फलस्वरूप आप असंख्यात सौ संयम की प्राप्ति रूप स्थान को प्राप्त कराने वाली सोपान पंक्ति संबंधी शिखर की अद्वितीय शिखा मणि हो गए। ऊपर हेडिंग है, आपने क्षीण मोह गुण स्थान में यथा ख्याति प्राप्त किया। बमन किया, इस शब्द है बमन किया, समस्त कसायों को बमन किया। बमन किया मतलब वॉमिटिंग कर दी, मतलब आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अनंत प्रकार की कसाएं थी, कुछ छूट गई तो वॉमिटिंग हो गई, बमन हो गया, छूट गई। बमन समझिए, पहले आप में थी कसाएं, लेकिन बार बार गुणस्थान हुआ, इसके पहले सब कुछ छूट गया। जैसे शरीर में भोजन था लेकिन सारा निकल गया, ऐसे कसाएं निकल गई, मूल में ऐसे कहना। अब शब्दों में से भाव निकालो आनंद का, आनंद का भाव इसमें क्या है? अभी आप काहे से परेशान हैं? मुझे भोजन करना है, भोजन करने की कामना बमन हुए। सोचो अभी तक भूख लगती थी, अब भूख ही नहीं लगती, मजा हुआ कि नहीं हुआ? लोग में क्या कहते हैं, पापी पेट का सवाल है, पेट नहीं होता तो यही सिद्धालय होता। पेट है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, पेट है इसलिए कमाना पड़ रहा है, कमाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। नहीं होता तो सुनो, बारह गुण स्थान में ये कोई प्रॉब्लम नहीं बची, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कुछ नहीं होता। यहाँ पर सब वॉमिटिंग हो गई, एक स्थूल कथन कर दिए। अभी कसाय में कितनी कसाय की चर्चा करोगे? मिथ्या से लगा करके चारों प्रकार की कसाय और नौ कसाय,
क्यों? हंसना दुख है कि सुख है? हंसना दुख है कि सुख है? कौन जाने कि हंसना भी दुख है? कौन जाने कि दुख है हंसना, हंसी आना? लेकिन आपको हंसी नहीं आती। अब इसके लिए पंडित साहब ने पाठ लिखा है, बहुत अच्छा पाठ है, भगवान की स्तुति करते हुए। हास्य कसाई का भाव क्यों हो गया आपको? रति रति सोग भय जुगुप्सा का भाव कैसे हो गया? 16 कसाइयों का भाव कैसे हो गया? ऐसे 16-9-25 का कैसे हो गया? वो उसमें एक एक का वर्णन लिखा है, बढ़िया अच्छा। निर्ग्रंथ भाव स्थान है, जो भी देख लें देख लेना। इसमें हमारा मतलब तो ये है कि तुम्हें इसमें तब आनंद आएगा तो हम पूरे कसाय से भरे, सब दुख से भरे, और आप पूरी कसाय और दुख से छूट गए। सोचो सही में गजब है। ये कसाय भटकाती है जीव को, कितनी ये कसाय लगा ले, कोई सी भी एक कसाय हो, कोई सी भी एक। चौदह प्रकार की कसाय मैं समझ, 9 कसाय, एक मिथ्या, फिर अनंतानंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजना, ये 4 क्रोध मन माय लोभ, 16-9-25 हो जाती है, और बैसे कहेंगे तो 14 हो गए। ठीक है, पता कौन सी कसाय? क्रोध भटकाती है आपको, बदला लिए मैं नहीं मानूंगा, तुम जहां जाओगे वहीं पीछा करूंगा, जहां जाओगे वहां पीछा कर। तुम्हें पता है पीछा करने के भाव में आनंद बंद हो जाता है। जो व्यक्ति कहते हैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जहां मिलेगा मैं मारूंगा, तो आप उसके पीछे पीछे नरक जाओगे। वो त्रियंश में जाएगा तो आप त्रियंश में जाओ, क्यों? तुमने क्या कहा था? मैं तुम्हारा पीछा करता कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भटकाती मान भटकाती है, कहां कहां दान देना है, मेरा मान कहां कहां होगा, कोई नहीं जानता इसका दान कहां कहां होगा। ये खुद गर्व से कहता है, आप किसी मंदिर में चले जाओ, किसी तीर्थ क्षेत्र में चले जाओ, सब जगह हमारा पटिया लगा है। खुद ही भटक रहा है, खुद ही कभी भटका रहा है, कोई को याद ही नहीं रहती है बात कहां कहां दान दिया। पूरे हिंदुस्तान में आप जाके देख लें, सुमत प्रकाश जैन के नाम का पत्थर लगा है जगह जगह। तो मैं नहीं हूं वो अलग बात है, लगा है क्या? बहुत सारे सुमत प्रकाश भी उनके नाम के पटिया लगे। द्रोणागिरी में हम देख के खुश हो गए, देखा हमने ना हमारे नाम का पटिया लगा, देखो सीढ़ियों पर द्रोणागिरी में क्या क्या फर्क पड़ता है इससे, खुद ही भटकता है। बहुत मैं वर्णन नहीं करूंगा, तो उसमें पढ़ना बहुत समय प्रकाश है। ये मान कसाई के लिए कहां कहां नहीं जाता, मान कसाई के लिए देशांतर गमन करे है धन कमाने के लिए। तुम देख ना, जो कोई विदेश से होकर आते हो, बार बार 10 दोस्तों में सुनाएगा, फिर अमेरिका गए, लंदन गए, फिर वो नहीं माने तो कनाडा वालों ने बुला लिए, फिर 2 प्रवचन वहां किए, फिर वहां गए, फिर वहां गए, फिर वहां गए। और जितने लोग सुनते हैं ना, उन्हें लगता है यार एक आज जुगाड़ा भी लग जाए, एक आज बार भी विदेश घूम जाए। कुछ नहीं है, कुछ ये कसाय भटका लीजिए, 2 कसाय की दृष्टान दे दिए। हवाई जहाज में गए हो तुम? नहीं गए, बिल्कुल वैसे ही लगा था जैसे कार में लगा था, कची तो हो ही है। चलो शताब्दी में बैठ जाना, ये एसी डब्बा में बैठ जाना, बिल्कुल वैसे ही लगता है, वैसे जैसे तुम्हारी बस होती है, बस ऐसे ही होता है, उसमें सामान रखने के ऊपर होता है, आपने सर पर अपना सामान धर लो वैसे ही होता है। लेकिन नहीं, वो आदमी को लगता है नहीं नहीं जरूरत नहीं है, तो भी चला जाता है। हमारा एक मित्र था, हम लोग इंदौर गए थे, इंदौर से लौटना था, तो उसने हवाई जहाज की टिकट बनवा ली भोपाल तक। एक बार देखना है देखो भाई, चले गए आधे घंटे में पहुंच गए। एक ब्रह्मचारी त्यागी थे, उन्हें घूमने का सर सो, बेबी ऐसे घूमना है,
फिर क्या किया था? अब जी बात हमें मालूम कैसे पड़ी कि वो हमारे साथ ठहरे थे तो बच्चों को टॉफी दे दी, तो बच्चे टॉफी खाते हुए आए, क्यों तुम टॉफी क्यों खाते हो, पाठशाला सिखाया नहीं? बोले त्यागी जी ने दी। हमने त्यागी जी से पूछा आपने इनको टॉफी क्यों दे दी? बोले हवाई जहाज मिली थी, समझ गए, हवाई जहाज मिली। मैं हवाई जहाज कैसे मिली थी? बोले वो आती है क्या कहलाती है, हेयर होस्टेस, हेयर होस्टेस। तो एक ट्रे रखी थी लेके आई, तो हमने मुठ्ठी वाले ले ली, अपने पैसे ले हवाई जहाज के टिकट के, तो जब अपन नहीं खाते तो आप ली क्यों, अरे बच्चों को दे देंगे। मैंने उन्हें समझाया बहुत बड़ी बड़ी गलती हो गई आपसे, एक तो हवाई जहाज घूमने की जरूरत नहीं थी, चलो घूम लिए कोई बात नहीं, फिर वो यार होस्टेस की प्लेट में से तुमने कॉफी उठा ली, वो क्या सोचेगी कि जैन संत भी जैन त्यागी व्रत है, तो त्यागी व्रत के बेश में हो ना, त्यागी व्रत के बेश में हो, फिर उनके लिए तुम जैन संत हो गए। जैन संत भी घोड़ा की और काका की मांस से बनी हुई टॉफियां खा ली थी, उन्हें क्या पता तुम खाओगे दे दोगे किसी, और फिर तुमने डबल पाप हो गया, अब ट्रिपल पाप जी हो गया कि तुमने बच्चों को दे दी। सब बच्चे कह रहे हो त्यागी जी दी, त्यागी जी त्यागी, तुझे अच्छी होती होंगी, उन्हें खरीदी होंगी इसीलिए हमने दी है, और फिर खाते होंगे, ये भगवान कितनी गलती हो गई। बोले मैंने इतना सोचा ही नहीं, यही तो दिक्कत है, आप गुरु आगे लेके नहीं आए होगे, यदि गुरु आगे लेके आते तो भी कहते, पहले तो जान ही नहीं देते, जाते भी तो सावधानी बताते। सही में मेहनत इसीलिए त्याग किए, बहुत पहले से त्याग किया हुआ है, इच्छा ही नहीं कहीं जाने की तो त्याग किया हुआ है। एक या दो घंटे का सफर 24 घंटे लग गए गुवाहाटी से कलकत्ता आने में, 24 घंटे 22 से 24 घंटे लग जाते हैं, हवाई जहाज सीधा जाता है आधा घंटे में, एक दो घंटे में, और वो उधर से घूम के आती थी 24। तो बोले आप काय को समय खराब करते हो, एक दिन का लाभ मिल जाएगा समाज को, हमें समाज को लाभ देना ही नहीं, और हमारा लाभ तो 24 घंटे ट्रेन चलेगी, वहां में भी पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चर्चा वार्ता करेंगे, जो करना वो करेंगे, हवाई जहाज बैठने की जरूरत, और प्योर लेदर की सीट बनती है उसकी, प्योर लेदर, आप जाके देखो प्योर लेदर, छूने लायक नहीं। सूरत में गाड़ी थी, कहाँ थी जो भी सोन की वो गाड़ी थी, BMW थी, कहले बैठ पंडित जी छोड़ देते हैं, हमें नहीं, हमें नहीं छोड़ना, हमें पता नहीं था कि, फिर ये लोग बताई उसमें उस BMW में लेदर की वो थी सीट, हम नहीं बैठना, कहा करना हमें, तो पॉइंट पकड़ में आया क्या कह रहे, ये कसाय भटका देती है। अब जिसको ऐसा लगता है ना हमें हवाई जहाज घूमना है फला घूमना, वो जब बिना बात हिंसा का पाप कर रहा है, बिना बात हिंसा का पाप कर रहा है, जितनी गाय कट रही है उसका पाप उसे लग रहा है, जितने चमड़े खींचे जा रहे हैं जिंदा में खींचे जा रहे हैं उसका पाप उसे लग रहा है, लेना एक न देना, तो अपन क्या उसे करना पड़ा। ये ऐसे दस्तान दे दी, ये कसाय भटकाती है नहीं, 14 कसाय भटकाती है। अब नहीं भटकना हो तो विचार कर, लेने की न देना तो मतलब क्या कहते, कुछ शादी करने वाले से पूछो क्यों तुम्हारे अनुभव क्या है, तब दो तरह के लोग मिल सकते हैं, ध्यान से सुनना, शादी करके एक तो कहेगा अरे ये जैसे तो शादी नहीं करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते, आत्मा में लीन हो गए, मोक्ष चले जाते, वो बड़ा काम था, तो शादी करने पर भी महान है वो, क्योंकि उसने भटकने की नहीं सोची, महान है वो, शादी के बाद भी उसे लग रहा है काश आत्म कल्याण कर लेती हूं ताकि अनंत भव में नहीं जन्म लेना पड़ता, महान है जी कह रहा हूं। वो एक शादी करने के बाद भी दुखी था, दुखी तो दो ही थे, दूसरा भी दुखी था, लेकिन वो बोला नहीं ऐसी पत्नी नहीं, ब्यासी मिल जाए तो मजा आ जाए, अगले जन्म में ब्यासी मिल जाए, अब तो मुझे भटक गया स्वरूप से भटक गया, आत्मकल्याण से भटक गया, अगले जन्म की कल्पना करके कर्म बांध लेगा, फिर तीसरी देखी अरे ऐसी मिल जाए तो अच्छी, ऐसी मिल जाए तो अच्छी, ऐसी मिल जाए तो अच्छी, उसने जन्मांतरों में असंख्यात भव बांध ली।
मैं इसके मामले में ऐसा समझाता हूँ, तुम्हें जैसी चाहिए ना उसकी कल्पना मत करो, पहले उसके पास जाके देखो कि उसे जैसी तुम चाह रहे थे उसके साथ रहने वाला सुखी है कि नहीं। अपना पति अच्छा नहीं है लेकिन जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो उसको जाके देखो, उसकी पत्नी भी उसे संतुष्ट नहीं। पंडित साहब ने जिसके लिए लिखा है पूछ उन्हीं से मन की बात, क्या लिखा है कुछ कह रहा हूं, नौकरी के बारे में कभी मत सोचो, जे नौकरी नहीं वो हो जाती, वो नहीं वो हो जाती, तुम सोचते ना व्यापार कर लेंगे, बिल्कुल नहीं सोचो। जिसमें कोई व्यापार में सुख नहीं, कोई नौकरी में सुख नहीं, किसी पद में सुख है ही नहीं। नहीं समझ में, बहुत बड़ी बात कह दी हमने। अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले उनका उपयोग नहीं भटकता इसलिए मोक्ष चले जाते हैं, और अज्ञानी जिसके अनंत संसार हो वो यहाँ रहता रहता भी भटकाता है, ऐसी पत्नी ऐसे बच्चे मिल जाए, ऐसा घर हो जाए, ऐसी नौकरी मिल जाए, ऐसे राजा जैसे ठाट हो जाए, चक्रवर्ती जैसे ठाट हो जाए, अब ये कर्म बांध रहा है। इसका मतलब ऐसे जीव को बहुत लंबे समय में कभी मोक्ष का नंबर आएगा तो आएगा, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चाहे तो जीव खुद पहचान सकता अपने आप को, अपने भावों को देख के पहचान सकता है कि उसको कहाँ जाना है। अब सोचो सारी कसाएं नहीं है, कैसा यथाख्यात चारित होगा, अब एक भी भाव का बंध नहीं, कैसा बढ़िया मजा होगा, आनंद समझ में आता है कुछ। उपयोग नहीं भटकता, उपयोग नहीं भटका, भटकता ही नहीं है, भटकाना नहीं, भटकाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, भटकता ही नहीं है, लेकिन व्यवहार की शैली नहीं, भटकाता नहीं, भटकाता नहीं, व्यवहार की शैली मतलब निर्णय करता है, निर्णय करो सुख है कि नहीं। मैंने सीधे निर्णय नहीं किया ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं, सबके पास जाके देख लिया। न्यूज़पेपर ने मेरा बहुत काम सॉल्व कर दिया, न्यूज़पेपर में हीरोइनों के सुख और दुख समझ में आ गए, हीरो के आ गए, कलेक्टर के आ गए, मंत्री के आ गए, विधायक सांसद के आ गए, बड़े बड़े उद्योगपति के आ गए, सबके दुख लिखे हुआ अखबार में। इस मामले में विज्ञान घन हो गया, मतलब कभी स्वप्न में भी ऐसी कल्पना नहीं होती कि अपने ऐसे हो जाए। अब रही बात आगे की तो व्रति त्यागियों के दुख भी समझ में आ गए, ख्याति लाभ पूजा ये व्रति त्यागियों का बहुत बड़ा दुख है, उसके लिए वेश बनाते हैं, लिखाए उसके लिए वेश बनाते हैं, उसके लिए भजन गाते हैं, स्तोत्र गाते हैं, पाठ करते हैं, प्रवचन करते हैं उनको दिखाने के लिए। प्रशंसक माने अज्ञानी से अज्ञानी को प्रशंसक मिल जाती है, क्या बोला मैंने, अज्ञानी से अज्ञानी को प्रशंसक मिल जाते हैं, क्या कहा मैंने, देख लेना आप। मुझे तो जब एक व्यक्ति के बारे में पढ़ी उसको नोबेल प्राइज मिला, एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला, तो फ्रांस में उसको जब वापस आया नोबेल प्राइज देने के बाद तो उसे खुली कार में घुमाया, तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़, सड़कों पर भीड़ ही भीड़, एयरपोर्ट से लगाकर भीड़ ही भीड़, खूब भीड़, लगता है नोबेल प्राइज मिला तो बहुत बड़ी खुशी होती है, सब भीड़। तो एक व्यक्ति ऑफिसर या कोई व्यक्ति चला रहा था उसकी कार, उसे भी अहंकार हो रहा था, कार बात का अहंकार हो रहा था, जैसे नोबेल प्राइज मिली उसे सबसे पहले मैंने रिसीव किया और मैंने अपनी कार में उसे घुमाया, उसकी सेल्फी वो फोटो और जी वो, और मैं अपने बच्चों को बताऊंगा बेटा नोबेल प्राइज वाले को मैंने पहले कार में चलाया था, वो अपने आप में खुश हो रहा। तो उसके मुंह से एक बात निकली, उसको पूछा, बहुत सुंदर समझने जैसी बात, जिसने मुझे बहुत बैराग्य दिया इस घटना ने। तो उन्होंने उससे कहा कि सर आज आपको कैसा फील हो रहा है, इतनी पब्लिक है, इतनी भीड़ भाड़ है, इतना सम्मान हो रहा है आपका पूरे देश में, तो आपको कैसा लग रहा है। मुझे इतना अच्छा लगा उसका उत्तर जो था, बोले अज्ञानियों की भीड़ की क्या कीमत, बोले ये भीड़ की कोई कीमत नहीं, अभी पैसे आ जाती तो अभी ऐसी भीड़ लग जाती, कोई डांसर आ जाती, कोई फिल्मी हीरोइन आ जाती तो अभी ऐसी भीड़ लग जाती, इनका इनकी क्या कीमत। मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मैंने गौर से देखा, आप सामान्य सा व्यक्ति प्रवचन करता है ना उसको भी तारीफ देने वाली मिल जाती, अटकना मन, इतने से बच्चे भी है ना, बहुत अच्छे बच्चे है, देखो अभी देखो तारीफ करेंगे, अपना सर सिंचन कितना अच्छा, देखो इतना सा है लेकिन प्रवचन में आता है, सुनता है ध्यान से, देखो पूजा प्रक्षाल करता है, रात में नहीं खाता, तो तारीफ तारीफ का क्या रखा है। सुनो बाहर के लोग प्रशंसा कर दे उससे आनंद नहीं आएगा जब तक आपको संतोष नहीं होगा, आप स्वरूप में संतुष्ट हो, स्वरूप में, क्या कहा,
स्वरूप में संतुष्ट हो, इस स्वरूप में संतुष्ट नहीं तो इसमें क्या रखा है? आपको एक लाइन में कहूं, एक लाइन में पूरा विश्व, पूरा विश्व अज्ञानियों का, पूरा विश्व अज्ञानियों का, संपूर्ण विश्व जगत से प्रशंसा पाने के लिए उपाय करता है। एक लाइन में कह दिया। व्रति त्यागियों का भी मुनियों तक के लिए लिखा है, मुनियों तक का लिए, ख्याति लाभ से बच के रहना लिखा है, पढ़ना, ख्याति लाभ से बच के रहना बहुत कठिन है, अभी भी कठिन, असंभव तो नहीं है, कठिन है, कठिन आत्मा को, आत्मा का स्वरूप जाने बिना कठिन है। किसी को खुश करने, अब मैं बताऊं कितने कैसे खुश करता है, अब कहां तक सुनाऊंगा और कितने सुनाना पड़ेगी। प्रशंसा पाने के लिए ही धन कमाता है, प्रशंसा कमाने के लिए नए नए कपड़े पहनता है, प्रशंसा पाने के लिए बालों को सेट करता है, समझ आया कुछ? क्यों 10 दिन पहले तुमने कराई थी कटिंग ऐसी, कहां गई, गायब तो हो गई, 10 दिन में पैसे ले लेंगे मैंने 150, इतने से फेर दी, इतने से फेर दी, नहीं 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 कहा करा ली थी। और वो क्या है आजकल ट्रेंड, आजकल ऐसी ट्रेंड, ऐसे तो 10 दिन में तो खत्म ही हो गई, महंगी महंगी आ गए सब की बात, लोग अच्छा कहें बस। मैंने इसमें बहुत मेहनत की शुरू शुरू में, जब मैं पढ़ा रहा, जब शिविर वगैरह लगे उस समय मान के साथ की रहती है ना, फोटो छपना चाहिए, हम भी कार्यकर्ता हैं तो हमारा भी नाम आना चाहिए, हमारा भी फोटो खींचना चाहिए, तो उस समय बहुत मेहनत की। मैं 11वीं में था, 11वीं में उस दिन मेहनत की, 11वीं में मेहनत की थी इस मामले में, वो क्या कहलाता परसेंटेज पहली बार अच्छी बनी थी तो अखबार में निकलवाई थी, तो उस समय अखबार में निकलवाना बहुत महंगा पड़ता था, खुद ही फोटो का ब्लॉग बनवा और फिर उन्हें दे, फिर देते, हमने बनवाया 10-15 रुपए लगे उन्हें दिए उस जमाने में, हमने ब्लॉग दिया, फिर वो ब्लॉग वहां नई दुनिया पहुंचाया, वो सब क्या है इतनी सड़ी सकल आई, हम कभी हम ही नहीं समझ में आ रही हमारी ब्लैक एंड व्हाइट छपता था, कभी पल्ले नहीं पड़ रहा। अब हमने देखा कि हाँ आ गया हमारा फोटो छप के, हमारे पिताजी ने भी नहीं देखा, हमारी माता जी ने भी नहीं, किसी ने नहीं देखा, किसी रिश्तेदार ने नहीं देखा पूरे इंडिया में, हमारी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी हम दिखाएंगे, देखो कहा। उस दिन सोचा अपन काहे को इतने आगुलित हुए, काहे को चार चक्कर काटे पत्रकार के, काहे को फोटो दिया, उस दिन बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत दिनों तक सोचा, फिर सोच लिया कि अब अपने को ख्याति नहीं, फोटो नहीं, कभी फोटो खींचे तो ऐसे नहीं बैठ जा, सीधे होकर नहीं बैठो, ऐसे बने, मैंने ये ख्याति भटकाती से कह रहे। अब सोचो अपने को कितनी तकलीफ है, तुम्हारी फोटो नहीं छपे, नाम नहीं आया तो कैसा लगता है, जैसे अभी तक काम कर रहे हम कुछ के है बहुत बेकार है स्वामी लोग गदा कहीं क्या, अब प्रयोजन नहीं समझ सका, एक तो हम दूध ला रहे, हमें पानी भर रहे, हमें गर्म कर रहे, हमें सब काम कर रहे, हमें तो ध्यान रखते हैं, एक तो आदर कराते हैं, और हमें गदा कह रहे, मुझे आग लग जाए और तारीफ कर दे, भाई साहब भी मुझे चाहिए, भाई साहब के हृदय में मैं रहता हूँ, अरे वाह रे वाह, भाई साहब के हृदय में भगवान रहती अरे कितनी जल्दी आकाश में उड़े, जरा तारीफ करते हो तो आप झट को, भाई साहब मुझे बहुत चाहते, जी से जेले सी खड़ी हो जाती, उन्हें चाहते हमें नहीं चाहते, हमें चाहते उन्हें नहीं चाहते, यही भगवान मैंने सौम्य है, रोग कितना व्यापक है, कोरोना से भी ज्यादा व्यापक है छोटे छोटे बच्चे देखे हम, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, छोटा बच्चा गोद में दूध पी रहा हो तो बड़ा बच्चा रोता है, माटा हो, पहले हम बैठते थे गोदी में, हम सोते थे गोदी में, जब से भैया आ गए छोटे या बिन्नू आ गई, अकेले में मारता है उसको, लौंचता है जी आगे, जब से हमें मम्मी गोद में नहीं ली, जब से जी आगे, जब से हमें मम्मी दूध नहीं पिला, जय जय मम्मी जय गिर आगे आगे कर, हमें नहीं पा उसे इतनी तकलीफ होती। अब सोचो मान कसाई की पीड़ा कितनी है, ख्याति लाभ कितना दुख देता होगा, अब जब जब तुम्हें ख्याति लाभ की इच्छा हो ना जेले सी वापस की, तो समझो तुम केवल ज्ञान की होली जला रहे हो, यहां की भाषा में कहते यथा ख्यात की होली जला रहे हो, सोचो बमन कैसे हुआ होगा, किंचित मात्र भी नहीं,
किंचित मात्र भी नहीं है। तेरहवें गुणस्थान की एक बात बता रहे हैं आपको। तेरहवें गुणस्थान में दो तीर्थंकरों का समोसरण एक जैसा नहीं होता, न चौथे काल में, न उस सर्पणी में, न अपसर्पणी में। हमेशा दो तीर्थंकरों के बीच के समोसरण में डिफरेंस होता है, एक समान नहीं होता। जैसे आदिनाथ भगवान का 12 योजन का है, तो अगले तीर्थंकर का 11.5 योजन का होगा, घटता जाएगा। या फिर 11.5 का है चढ़ते हुए में उस सर्पणी काल में, तो अगले तीर्थंकर का फिर आधा योजन ज्यादा बड़ा होगा, वो 12 योजन का होगा। समझ में आया कुछ? मैं दो, अब मुझे कुछ कहना है, कल्पना करने जा रहा है। महावीर भगवान को कैसा लगता है यदि मान का सहायक होती तो? हाँ, ये कई योजन का बचा। हमने कहा बिगाड़ो तो कोई को, हमने इंद्र को कहा बिगाड़ो तो इंद्र ने हमारा छोटो का बना, भी बना सका तो बड़ा बना देते, भी बना सकते थे बड़ा बना देते, छोटा क्यों बनाया? दिव्य ध्वनि तो एक जैसी, तीर्थंकर तो एक जैसे, तेरह गुणस्थान एक जैसा, भव्य का है कुछ नहीं। आदिनाथ भगवान से जेलेसी नहीं हुई, क्यों क्यों यहां की भाषा में बोलो, बमन हो गया था, समझ कर आएगा बमन हो गया था। बारह गुणस्थान की स्तुति कर रहे हैं, समझो बारह गुणस्थान के माध्यम से तीर्थंकरों की स्तुति कर रहे हैं। कौन से तीर्थंकरों का वर्णन चल रहा है? अजितनाथ भगवान। धन्य प्रभु, आपको कुछ मान नहीं था, अभी सबका कसाय तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आप खुद सोचो जिस जिस कसाय की पीड़ा आपको सता रही है उसका उन्होंने वॉमिटिंग कर दिया है, अब नहीं बचा उनके पास। तुम जिन 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 कसायों की पीड़ा थी, कसाय वो ध्यान रखना, चर्चा तुम इस बात पे करना चाहता हूं, लेकिन आप मेहनत करना है इसमें कि कसाय में आनंद नहीं है, कसाय पीड़ा है। कुछ कही मैंने, क्या कहा? अच्छा बेटा, क्या कहा मैंने? कसाय में आनंद नहीं, पीड़ा है। समझ में नहीं आया अभी, क्योंकि आपके सोच से अलग कह रहा हूं कुछ। आपको कसायों का आनंद आता है, यहां कह रहे हैं कसाय खुद दुख हैं, तुम दुखों का आनंद मना रहे हो। क्या कह रहे हैं? तुम दुखों का आनंद मना रहे हो, दुखों में आनंद मान रहे, मिथ्या था। अभी तुम्हें खाना पीना चाहते हो और मिल जाता है तो तुम सुख मानते हो, खाना पीना चाहते हो मिल जाता है बढ़िया सुख मानते हो। बोलो नींद आ रही है? जा बेटा सोया जा। पंडित जी बहुत बढ़िया, मैं सोने के लिए कह दिया। तो क्या हुआ जी? कसाय में सुख मान रहे थे और यह कसाय का वॉमिटिंग करना है, कसाय का वॉमिटिंग करना है, इसका मतलब मिथ्यात वह, हम जहां सुख मान रहे हैं वहां वास्तव में दुख है। अब जी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी ना, कसाय अपने आप मिथ्या थोड़ी है, कसाय में सुख मानना मिथ्यात वह है, कसाय अपने आप में मिथ्या थोड़ी है, कसाय को उसमें सुख मानना। सोचो फिर मुंह में डाल लिए, खड़े करे थे मैं गंदी आ गया, अभी अभी सुधार लो, मैंने समझाया। तो मेहनत करनी थोड़ी है ना, मेहनत थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। कसाय देखो, खाने की कसाय उत्पन्न हुई, खाने की ले रहे हैं, सरल पड़ेगी आपको इसलिए, खाने की कसाय आपका समझ तो खाने में मिल गया तो सुखी होगी, और खाने की कसाय बढ़ गई। ऐसा नहीं पैसा खाने की कसाय हुई, इसमें नहीं उसमें खाने की कसाय हुई। कहे हम श्रेयस को दे सोने की थाली में, तो मैंने पीतल की थाली, तो मैं कैसे रहेगा? अब खाने का सारा आनंद उड़ गया, अब ये कसाय आ गई सोने की प्लेट में, क्यों नहीं किया? ऐसे ऐसे झगड़े होते थे पहले समाज में, बहुत झगड़े होते थे, व्रती त्यागी मम्मी हो जाती सुमत हमसे पहले कैसे बैठ गए भोजन कर एक त्यागी जी मैं शुद्ध कपड़े भी नहीं पहनते थे, एक त्यागी जी शुद्ध कपड़े भी नहीं पहनते थे। अब उनसे कहा कि फिर आप बाहर बैठ जाओ, नहीं सुमत चौके में खाएंगे तो हम ही चौका में खाएंगे। अब समझाना मुश्किल हो गया, मैंने क्या कहें बताओ, अच्छा नहीं लगता हम पहले खाएं फिर तो आपको बिठाएं। इतने में एक कोट पैंट धारी आ गए, वे शुद्ध खाते थे लेकिन शुद्ध कपड़े नहीं, कोट पैंट धारी, उनसे कहा आपकी थाली बाहर लगा देगा आप शुद्ध नहीं ले रहे। नहीं
मैं बाहर नहीं बैठता, चौके में बैठता हूँ। बताओ उन्हें भी वहीं बैठा, कैसे बैठा, क्या कर रहा था। मैंने जितनी त्यागी वृत्ति हुई चौके बिगाड़ती है, अधकचरे लोग बिगाड़ते, उन्हें इतने में शर्म है इस दीवार की इधर चौका है जी, इस पर बैठा दे। नहीं, हम चौका वहीं बैठे। अब बताओ कितनी कसाई हो सकती है अंदर। ये तो मैंने अपना नाम का दृष्टान दिया, ऐसे चलता रहता है समाज में होता था। बड़ी बड़े सेठ आए नहीं तुमने, इन्हें गरीब को पराजित था, बड़े सेठ का अपमान हो गया। भगवान जाने कैसे अपमान हो गया, गरीब को पहले क्यों पराजित दिया। कम नहीं है समस्या, लेकिन धन्य प्रभु आपकी सारी मोमेंटिंग हो गई जी, कह रहे आपको कुछ नहीं रहा। स्तुति समझ आ रही, माने जिन कसायों से हम सदा पीड़ित हैं उन कसायों को आपने वॉमिट कर दिया, माने छोड़ दिया। अब अनंत काल में आपको नहीं लगी, ये सुख है। अभी आपको सही बताना, भगवान का सुख सुख लगता है कुछ, क्यों नहीं लगता पता है? क्योंकि अपनी कसाएं दुख नहीं लगती। खाने की कसाय, पीने की कसाय, चलने की कसाय, कमाने की कसाय, सोने की कसाय, जगने की कसाय, अपना मकान बनाने की कसाय, ये सब कसाएं हैं। जब अपना मकान नहीं बनाते तो मंदिर बनाने लगती है, अपना मकान नहीं बनाते तो फिर और संस्थाएं बनाने लगती। श्रीमद जी ने कोई संस्था नहीं बनाई, श्रीमद जी ने कोई संस्था नहीं बनाई। उन्होंने एक बहुत प्यारी लाइन लिखी, बहुत ही प्यारी, काम एक आत्मार्थिनो बस, बीजो नहीं मन रोग, दूसरे कोई बात ही मत करो हमसे, हमें केवल आत्म कल्याण करना, कुछ नहीं करना। लेकिन वो आत्मा को नहीं जानते ना, जब आत्मा को नहीं जानते तो अब टाइम कटता नहीं, फिर विकृति सताती है। तो कितने ब्रह्मचारी स्पष्ट कह देते भाई क्या करें, फिर हमारे परिणाम सुधारने का और कोई उपाय नहीं था हमारे पास। हमने पैसे इकट्ठा करना शुरू करा, मंदिर बनाना शुरू किया, फल फला करना शुरू करा, संस्था चलाना शुरू करी, मैं इसमें उपयोग लगा दिया। बड़े बड़े पदधारी भी इतने हल्के काम करने लगते हैं, हल्के काम मतलब खोज राउंड लगाते हैं, क्यों निर्माण हो गया, क्यों पानी नहीं डाला तुमने, पानी डालना सुबह शाम याद रखना तीनों टाइम। ये तुम ठेकेदार हो कि त्यागी हो, तुम हो कौन? पंडित साहब को कोई चीज की जरूरत थी, बहुत साल हो गए, बानपुर की घटना है, बानपुर की कोई चीज की जरूरत थी, वहीं से निकल रहे थे, भोजन करके आ रहे थे मंदिर की तरफ, धर्मशाला की तरफ, तो उन्हें कोई चीज चाहिए थी। तो एक दुकान पे अपनी साधन की दुकान 30-40 साल पुरानी बात है, तो उनकी दुकान पर खड़े हो गए पंडित साहब, बोले कहे जो भी चीज चाहिए जे है क्या? तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, पंडित आप पता, आप पता हम नहीं पहुंचा रहे, अरे हम जा ही रहे ले जाएंगे। नहीं, विद्वानों को त्यागियों को खास तौर से त्यागियों की बात करो, त्यागियों को बाजार में कोई चीज नहीं खरीदना, अगर खरीदना पड़े बहुत ही खरीदने की जरूरत हो तो बहुत मर्यादा में खरीद लो, किसी से कह दो। जैसे महिला नहीं होती, महिला पुराने जमाने में महिलाओं को इस कमरे से उस कमरे में पति को आवाज लगाना, पति को तो ऐसे बच्चों से बेटा पापा बुला ले बेटा, अपन नहीं ए कोई बच्चा हो इधर आ बेटा, पैसे ले जाओ सामने से माचिस ले आओ। मानी जैसे बच्ची पहले जमाने में ऐसी मर्यादा थी, ऐसे इसमें हो सकता है, जरूरी थोड़ी अपन ही जाओ। कुछ समझ आ रहा है? कसाएं भटकाती है। अब एक और अच्छी बात बता रहा हूं आपको, कसाय ही परिग्रह का मूल है। तो पैसा याद क्यों आ रहा है? रख लें रख लें रख लें, बार बार क्यों लग रहा है? 5 लाख रख लें, 5 लाख रख लें, 5 लाख रख लें, 5 लाख रख लें, क्यों क्यों सोच रहे हो? इस देह को रोटी और कपड़ा चाहिए, मिल जाएगा, बाकी रीति धर्मशाला है, मंदिर के होटल हैं, कहीं सो जाना कहीं बैठ जाना, कपड़ा चाहिए बस, और क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए क्या तुमको ये तो बताओ? नहीं नहीं 5 लाख रख लें, 5 लाख रख लें, अरे कहा रख ले कि नहीं दूसरों के काम आएंगे। अरे दूसरों के काम के लिए तुम कौन हो? कौन तुम ठेकेदार क्या कहलाते हो? मुनि हो तुम, दूसरों के भाग का हिसाब रखने वाले, और तुम दे दोगे? गारंटी है कि दूसरों को दे दोगे?
लेकिन कसाय भटकाती है, कहीं हमें खाने पीने की इच्छा हुई कि हमें किसमिस खाने, तो हम इनसे कैसे कहें पंडित जी हमें किसमिस खाने, अब कैसे मांगे, अच्छा नहीं लगा कोई घर में मांगो, अब नहीं हुआ तो झट खा ले जी कसाय, समझो कसाय। अच्छा इतनी सी किसमिस के लायक तुम 5 लाख कमाओ और रोज वहां क्या परेशानी आएंगी पता है तुम्हें, नौकरी करना कितना कठिन, समझा कागज स्टैंड एक जरा सी कसाय, इतनी सी किसमिस खाने की कसाय, कहीं नहीं मांग पाएंगे फिर नहीं कोई नहीं देगा, तो अब उनको तो प्रभाव है, सुमत प्रकाश जी तो प्रवचनकार हैं, उनके पास तो कुंटलों हाथ, सही है बिल्कुल सही कह रहे हैं, खूब बात हमारे पास तो बादाम किसमिस, अब हमसे पूछोगे इन्हें पता बच्चों को भाइयों को जिन्हें आते वे खाद नहीं और जिन्हें नहीं आते वे ललचान है कि भैया हमें मिल जाए, कब हम प्रवचनकार बने, कब किसमिस को पैकेट आए, ये मारे गए रत्न तरह के कुछ सोच ही नहीं रहे कभी मुझे ना जी किसमिस ने दिल हर लिए तुम्हारा उपयोग, अरे ये आए तो क्या कहें भैया, समझो जरा मैं किसमिस का पैकेट का तो जानबूझ के नाम लिया, क्योंकि जिसको जो चीज दिखती है वही दिखती है बस। सुनो 6 खंड के बेहोब में पुण्य के उदय में लात मार के दीक्षा होती है, किसमिस को तरसने वाली दीक्षा नहीं लेती, किसमिस को किसमिस तो नाम आ गया कोई सी चीज ले ली, मेजबान में बहुत ही शुरू से कहता रहा हूं न पैन चाहिए सोने का ना कछु चाहिए कुछ नहीं चाहिए, ये सब ललचाएंगे काय कार चल रहा है 12-19 साल में समस्त वॉमिटिंग का मजा, जय है मजा जिन्हें लिखने का भी आनंद नहीं, कागज पेन की इच्छा नहीं, कितना गजब हुआ 12-19 साल, मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि अपने यदि इसके लिए ब्रह्मचर्य है पलायनवाद के लिए नहीं है, और शादी में मजा नहीं आता झगड़े होते हैं पला हो जाता है तो बच्चे बच्चे आए सब आबाद अपन अच्छी बात, ए तो पलायनवाद का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, पलायनवाद का नाम घोर पाप है, केवल आत्मा को जानने के लिए ब्रह्मचर्य, ओनली आत्मा के लिए भगवान बनने के लिए बस, दूसरी कोई बात ही नहीं। अब ऐसी भावना वाले को 12-19 स्थान होगा, वो स्वरूप में स्थिर होना चाहेगा, वो स्वरूप में स्थिर होना चाहेगा, हमें कछु नहीं क्या कर, शरीर की आवश्यकता कितनी है 2 रोटी और कपड़ा, विश्व में तुम तो बहुत अच्छे हो, ये जन सड़क पर विक्षिप्त घूमते ना विक्षिप्त, पता नहीं इनके भाग से कौन इन्हें कपड़ा दे जाता है, कभी देख लें गौर से सड़क पर इस विक्षिप्त को भी सुबह होने पर चाय पिलाने वाली मिल जाती, यदि वो चाय पीता है बेसन की भाषा कह रहे तो उसको चाय पिलाने वाले मिल जाते हैं, कपड़ा देने वाले मिल जाते हैं, ठंडों में रजाई देने वाले मिल जाते हैं, और संभाल के नहीं रखता वो ठंडों की रजाई दूसरे ही संभालते हैं समझदार वो वैसे ही घूमता रहता है, बोलो पुण्य का उदय उसकी सेवा कर देता है, जब विक्षिप्त की सेवा कर सकता है तो ब्रह्मचारी की सेवा नहीं होगी, ये है मिथ्या, नहीं वो अपनी पैसे सही अपनी पैसा अपना, मुझे तो पैसा ऐसी अपनी पैसा काम आएगा, तो काय के काम आएगा, कसाय भटकाएगी, पहले कसाय भटका के पैसा कमाई ले जाएगी, फिर वह संभालने में रखे जाओगे, फिर वह ब्याज पे चढ़ाओगे, फिर ब्याज खा जाएंगे उनसे नोकझोंक करोगे, और नहीं खाओगे तो डिप्रेशन हो जाए, फिर ब्रह्मचारी जी 14 लाख चले गए, जिंदगी भर की कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी और रिश्तेदारी खा गए, कोई और नहीं खा गया रिश्तेदारी खा गए, इतना डिप्रेशन मर भी तैयार डिप्रेशन में, फिर एलोपैथी खाने पड़ी दवाइयों लगी जी लगी वे लगी, आज भी परेशान, अब कहीं के नहीं रहे ना इधर के रहे ना इधर के रहे, ना भी प्रवचन कर भी लागे बचे कुछ काम के नहीं बचे, मैं तो ये कहता हूं करना नहीं हो कभी सम्यक दर्शन होता है, क्या सम्यक दर्शन होता है, इस देह को 90 वर्ष जीना है तो 90 वर्ष कहां से क्या मिलेगा, मिलेगा इतना विश्वास करने का नाम सम्यक दर्शन, यदि हम मुनि नहीं बनेंगे तो इस देह पर ढांकने के लिए कुछ ना कुछ कपड़ा मिलेगा और कहीं ना कहीं से मिलेगा, कहीं ना कहीं मैंने तुम निश्चिंत रहो कहीं ना कहीं से मिलेगा, देख लेना कहीं से मिलेगा, मिलेगा तुम्हें क्या चिंता करना,
नहीं अच्छा मिलने चाहिए जी कसाय अच्छा में अच्छा क्यों मिलना चाहिए, मुनि नहीं बने ये कपड़ा मिलना चाहिए बस मिल जाएगा तो तुम्हें क्या करना है। अब दूसरी तरफ चलो इतनी भटकने पर भी ध्यान रखना इतनी भटकने पर बहुत भटकना कह दिया 25 साल पढ़ाई कमाई सब कुछ तुम क्या समझते हो करोड़पति अरबपति को कपड़े मिल जाते हैं, जब बीमारियां होती हॉस्पिटल में उन्हें तक कपड़े नहीं मिलते। सेठानी तक को बड़ी बड़ी सेठानियों को जाके देखो अंतिम समय में कब कपड़े पूरे पहने नहीं मिले एक चादर ढांक देती। बीमारियां ऐसी क्या करोगे एक गाउन से बना देती गाउन से बाल कट जाती यानी कैसी कैसी शकल सूरत हो जाती है बेटी फिर लेटरिन बाथरूम करा देती कैसी तो दशा हुई थी तो कहां मिलते कपड़े जिसके लिए तुमने इतनी कसाई करी थी। तो फिर पंडित जी आप कहना क्या चाहे थे ये कहना चाह रहे हैं ये था ख्यात में ही आनंद है समस्त कसाई की वॉमिटिंग हो गया। एक बहुत अच्छा शब्द आया इसमें मांसल मांसल माने मांस से बना मांसल मांसल माने सुदृढ़ है दिखा है ना दिखा यदि छंद में देखो तो दूसरी शब्द है मांसल दूसरी लाइन में दिया सुदृढ़ इंग्लिश में कहते हैं मसल्स मसल पावर ऐसे मांस से मसल बन गया हो जैसे यहां पर सुदृढ़ आपका सुदृढ़ चारित्र समस्त कसाय रूपी किट कीट को वो उसके लिए लिखा है कसाय रूपी कीट को मांसल लिखा है हाथ बहुत मजबूत थी बहुत मजबूत ऐसे ऐसे लिख रहे कसाएं बहुत मजबूत थी। अभी जितनी बातें बताई तुम्हें छोड़ना सरल है कठिन है बता तुम समझ भी जाओ तो छोड़ना मुश्किल है आदमी ख्याति ला पूजा उसके लिए कमाना धमाना बहुत बड़ी बात है कि जितनी कह रहा हूं उतनी कम है इसमें कितने आदमी लोग ऐसे होते हैं उन्हें पाचन भी नहीं है खाना भी नहीं कोई बात नहीं तो इसी बात की पीड़ा है ख्याति लाल की पूछी काहे ने नहीं नहीं होती पीड़ा जैसे 80-90 साल का आदमी घर में हो अब उनकी पचा नहीं सकती तो होती नहीं और बच्चे घर में होते तो हलवा भी बनता है खीर भी बनती है भजिया भी बनती है मंगोड़ा भी बनते बच्चे तो अब उन्हें नहीं पूछा था कौन है जो 70-80 वाले ही उनको कमजोर होता है पाचन तो खा नहीं सकते सब चीज तो उन्हें वही मूंग की दाल और दरिया दे देते जरा सा एक कटोरा और उन्हें खुशबू गा रही पूरी खुशबू गा रही खाया जाए तो पकौड़ा बन रहा है एक साथ ऐसी हो रही अभी खाए नहीं उठाए लेकिन देवर देते ही नहीं है पत्नी तक नहीं देती बच्चे भी कोई नहीं देता कोई नहीं देता करोड़ रुपए एक तरफ रखे गए तुम्हें करोड़ कमाए थे और दलिया दाल वो दलिया दे दी बस अब सब बच्चे खा रहे आइसक्रीम खा रहे लड्डू खा रहे उन्हें दिखा दिखा के कैसे सोचो कितनी पीड़ा है उन लोगों से पूछो कितनी पीड़ा है ओ एक ही बात है यथाख्यात में मजा है अब वो कसाय नहीं रही समझ में आया कुछ जिब्बा इंद्री का सुख नहीं है कसाय की ही पीड़ा है कसाय का ही दुख है ये सारा संसार उसी से दुखी है। आज मैं कुछ इसलिए पढ़ा रहा हूँ विस्तार से ब्रह्मचारी भाइयों की वजह से ये लिखो यदि तुम पीड़ित नहीं होना नहीं तुम सच कह रहे माला फेर लोगे लेकिन पीड़ा भयंकर भाई पूजा कर लोगे उपवास कर लोगे व्रत उपवास कर लोगे तीर्थ यात्रा कर लोगे तीर्थ यात्रा भी करके आओगे ना दो ब्रह्मचारी गए ऊपर चढ़ गए और जो पहलवान जी वो खुश हो जाए देख हमारी स्टेमिना हम तुमसे आधा घंटा पहले आए देखा होगा आपने जितने लोग समय से गाड़ी जाते हैं सब उतरने के बाद अपने अपने रिकॉर्ड बताते ये हम तो आगे आगे जा रहे थे हमारे आगे कोई थो ही नहीं सबसे पहले हम उतरे फिर आधा घंटा बैठे रहे रास्ता में कुछ आओ ही नहीं मैंने यहां से बताना चाह रहा है कि आए हम सुपरमैन समय से गाड़ी में सबसे आगे में कौन उतरता पता है मैं उतरता अजय भी मानता साहेब मैं उतरता हूं जो कोई नीचे उतर जाता है ना मैं उसे हमेशा कहता हूं तुम बहुत बेवकूफ आदमी धन्य वे नहीं है जो समय सिकंजी पर्वत पे चढ़े और उतर आए धन्य जो कभी उतरे ही नहीं ऊपर वहीं से सिद्धाला चले गए
ऐसा तो हमने सोच ही नहीं। मैंने कहा उतरने का सुख लगता है, जल्दी आ गए जल्दी आ गए। कितनी लोग मिलेंगे आप, रोज मिलेंगे रोज बैठ जाओ वहां जाकर। ये भैया लो लंगिया हो गई, सब झट उतर आए, झट 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 हो गई थी। वैसे तो सुबह तो नहीं आता, जब भूख इतनी जम के लगी झट खा गए। वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तीर्थ यात्रा करी तुमने। लो लंगिया में खा गए, क्या कुछ समझाए कुछ क्या कह रहे। अब सोचो ये सब दुख लगेंगे तब यथा ख्यात चरित की बात आएगी, तब तुम्हें लगेगा भाग चलने से लालच लागो, तब तुम मन करेगा अरे मुनि दशा हो हमारी हो मेरी। हाँ बोलो हो मेरी ऐसी दशा जैसे। पांच पॉइंट बना के बोल सकते हो इतने सारे पॉइंट नाम है। हो मेरी ऐसी दशा मतलब नंबर एक बोलो, नंबर एक कौन सी दशा। अरे वह तो हो ही गई भैया, आगे बोलो। हमें ख्याति लाभ का जैसे आपको भाव नहीं आता ऐसे ख्याति लाभ का भाव हमें नहीं आए। जैसे खाने पीने का भाव आपको नहीं आता ऐसे खाने पीने का भाव हमें नहीं आए। बोलो बेटे और बोलो अब। जैसे धन कमाने की इच्छा आपको उत्पन्न नहीं होती ऐसे हमें नहीं हो। दुनिया को प्रभावित करने की इच्छा आपको नहीं होती हमें भी ना हो। मैंने वो ग्यारहवीं में जो मेहनत की थी ना, बहुत मेहनत अच्छी फायदा हुआ उसमें, बहुत ही फायदा हुआ उसमें। क्यों, मैं भोपाल में कॉलेज पढ़ाने भी गए ना तो बस शर्ट पैंट चार जोड़ी थे बस, ओनली बे बदल बदल के पहनते थे रोज। और एक ड्रेस दो दिन तो कंपलसरी पहनना ही, ऐसा नहीं आज पहले कल कछु परसों कछु, कहे कि धोने भी अपन ही प्रेस भी अपन ही करने करे को। नहीं बिल्कुल सिंपल, 32 रुपए की चप्पल बस, 150 रुपए जूता थे एक बार पहने थे, यानी एक आदमी दिलवा देते जबरदस्ती की नहीं खरीदो खरीदो अच्छा नहीं लगा, तो 150 रुपए में 3 साल चले थे बेचारे। इसके बाद 32 रुपए की चप्पल से नीचे नहीं उतरे, मैंने ऊपर नहीं गया मतलब। हाँ सिंपल रहो, 100 रुपट्टी की साइकिल से कॉलेज गए पढ़ाने। मैं मेरा मतलब अपन मजे में रहे ना, मजा अपना है, उससे मान नहीं हो जाती थी अपन मजा था। साइकिल से निकले तो कोई पहचान ही नहीं पाएगी प्रोफेसर होंगी, साइकिल पे निकले तो एक दिन भी वो पाने नहीं रोकी हो कहला था ट्रैफिक पुलिस ने, मोटरसाइकिल रुक जाए तो कागज निकाल और फिर ही पैसा ले ली अपने से कबू मिल जाए। हमें मजा आएगा था समझ गए, पहाड़ियों पर घूमने का नहीं, घूमने का मजा था लगाते थे, परिग्रह में नहीं फंसने का मजा था। टीवी नहीं खरीदा हमने 10 साल वहां रहते रहते, कभी नहीं खरीदे मोबाइल, मोबाइल नहीं चक्कर में पड़े, तो वो सुख था हमारा, हम उसे दुख नहीं मानते, हमारा सुख था। दुखी देखना तो दुखी बहुत है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं मेरे पास रहने वाले मोबाइल ही मत रखो। एक भाई था भोपाल में, तो हमने कहा बगली साहब का घर 1 किलोमीटर दूर है, चले आप मैसेज करिए आप कुछ। सो गए, पूरे नहीं गए, रास्ता में 2-4 दुकानों के बाद एक दुकान पे गए, एक मोबाइल लगाना है, फोन लगाना है, बोले 2 रुपए दिए फोन लगा दिए और लगा के आ गए। हाँ तो तेली कैसे आ गए, बोले रास्ता में 2 रुपए दिए एक दुकान पे फोन लगा के आ गए। यार मैंने कहा आज गया तुम कर सो स्वस्थ रहोगे बताओ। अरे इस बहाने 1 किलोमीटर घूम आते चले जाते आ जाते, घूमने हो जाता तुम्हारा थोड़ा सा। आलस में बीमार, अस्थमा को रोग तो बनोगे, अस्थमा को रोग कहे तुम जरा चल के नाम पर घबरा रहे। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं, ये सुख है, चलते रहना सुख है, फोन दुख है। बेचारी मछलियों जैसे तड़फ रही बहू में घर घर, जरा कटी भाई अम्मा तो वही रहने भाई, घर में रहने भाई, पति के संग रहने भाई, सास के साथ रहने, बच्चे के संग रहने, कहा बच्चियों जैसी होते अम्मा रोन लगी, इनने बंद कर दिया अब तुम रोत रहा। फिर उनके पति देव तमन तुम्हारे पिताजी आए सुबह रोटी बना, आज मोड़ी को फोन आओ कह का कह रही थी बस कैसी ढोल है। मैंने एक साइकिल गिरा तो दूसरी गिरा तो दूसरी, तीसरी गिरा तीसरी, चौथी गिरा गिरा दी चली जाए।
दुखी होने के रास्ते जी कह रहे हैं हम। आहा, समझना बेटे समझना, सीता इसलिए सुखी हुई कि उसे 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 उसने किसी को नहीं सुनाया कुछ। कल जो उसने जो बात लिखी थी ना, वो इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगी उसमें। आज हम पिताजी होती, माताजी होती, भैया होती, ऐसी बात लगी, वो गलत लगी हमें उसकी। नहीं सुना, मेरा शुद्धात्मा ही मेरा शरण है। जब कहीं कोई शरण नहीं दिखता तो आपकी भगवान से बात होती है, पता है आपको? क्या बोला हमने? हाँ, जब कोई से बात नहीं होती है तो ढेर खड़ा होता है, अपने से अपनी बात होती है। कर्म तो अपनी बांधे, स्वयं किए जो कर्म, अब दूसरा क्या दोष है, अपना ही है। चलो अब समता रहो, जो होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा। समझ में? उसी एक, कल हमने पढ़ी थी सीता की अग्नि परीक्षा, आप लोगों ने पढ़ी होगी सब लोगों ने, तो उसमें 10-5 गलतियां थी, मतलब गलतियां हैं मेरे से। सीता कह रही हाय प्राण निकल भी नहीं रहे, दुष्ट प्राण है, निकल जाए, मर जाए, मरने की कोशिश कर रही, क्या झूठ बात है। महापुरुष आत्महत्या नहीं करते, आत्महत्या का भाव करना कोई हीरोपना नहीं है उसका। प्राण ने नहीं मर निकला, हमें वहां सूर्यवीरता दिखाने की इच्छा है, तत्व ज्ञान का बल दिखना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, मुझे सच कहता हूँ, मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए वो, ठीक है दुख होता है ये भी सही बात है, लेकिन ऐसा दुख नहीं होता जैसा उल्टी सीधी बातें आए। पढ़ना उसको सीता की अग्नि परीक्षा, मुझे तो 8-10 गलतियां लगी, अच्छी नहीं लगी, हो सकती भाषा बहुत अच्छी हो सकती है। चलो इतना सोचा नहीं था इसको, अभी पेट नहीं भरा हो बहुत है, फिर से समझो कसा है, दुख है वो, तुम्हें दुखी कर दी तुम उसे सुख मानते, क्या कह रहे, कसाय दुखी करती हो तुम उसे सुख मानते हो। चलो आगे, फलस्वरूप आप असंख्या शुभ संयम की प्राप्ति, शुभ संयम या शुभ कर संयम लेना है, असंख्या संयम की प्राप्ति रूप स्थान को प्राप्त कराने वाली। सोपान पंक्ति में समूह संबंधी शिखर के अद्वितीय शिखर शिखा मणि हो गए, बारवा गुण स्थान है ना, इसलिए बारवा गुण स्थान में शिखा मणि हो गए। ठीक पढ़िए, हिंदी पढ़िए इसकी। आपने 10वें गुण स्थान की विशुद्धता से भी अनंत गुणी विशुद्ध जी को प्राप्त किया, ठीक है। 10वें गुण स्थान की तुलना में 12वें गुण स्थान में असंख्यात अनंत गुणी विशुद्धि हुई, निर्मल परिणाम हुए, जिससे समस्त कसाय कीट काल में नाश हुए और आप 12वें क्षीण मोह गुण स्थान को प्राप्त हुए, वहां आपको यथाख्यात चायत की उपलब्धि हुई। अगला छंद पढ़िए। स्तुति कर रहे हैं जितना भगवान की, अब जो संक्रमण होते हैं, संक्रमण होते हैं शब्द अर्थ के संक्रमण से युक्त श्रुत का, श्रुत ज्ञान का संक्रमण होता है, शब्द से अर्थ, अर्थ से शब्द। समझ में आ रहा कुछ, क्या कहा? संक्रमण समझते हो, शब्द से अर्थ, अर्थ से शब्द। जैसे जैसे ग्रंथ देखा तो इस अर्थ हो गया, तो इस अर्थ को देखते ही समय सार ये अर्थ से शब्द में चले गए, और शब्द देखते थे शब्द सुना, शब्द सुना समय सार जी विकल्प आया तो ग्रंथ दिख गया। नहीं नहीं ऐसा ग्रंथ है वो, ऐसा ऐसा
पूरा देखने लगा, शब्द से अर्थ, अर्थ से शब्द। सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात है। इसमें थोड़ी सी है तो ये सूक्ष्म चर्चा, लेकिन हम आपको स्थूल करके समझा रहे हैं, क्योंकि जो सब बारह गुण स्थान में कैसे कैसे होता है वो ऑटोमेटिक होता है। तुमने देखा जब आप सामायिक करते हो तो या तो कुछ शब्द दिखाई देते हैं या कुछ वस्तु दिखाई देते हैं, चिंतन चलता रहता है, या तो चिंतन चलता रहता, चिंतन चलता रहता, या तो शब्द रूप चलता है या अर्थ रूप चलता है, समझ गए। वस्तु दिखाई देती है, जैसे माता पिता दिख रहे हैं, उनका दुख दिखाई दे रहा है, फला दिखाई दे रहा है, सुख दिखाई दे रहा है, भगवान, ऐसे। तो ये अर्थ, अर्थ कहते हैं, अर्थ मान पदार्थ। और या कहते हैं शब्द, कान में शब्द गूंजते हैं, दिमाग में शब्द गूंजते हैं। आपको पता है आप कविता कब लिखते हो? जब शब्द रूप संक्रमण होता है। और सरल दृष्टांत दे रहे, और सरल दृष्टांत, पूनम का चांद देखा, तो चांद देखा ये अर्थ है। वैसे देखते से कविता याद आने लगी, ये कविता लिखने का मन करने लगा, ये शब्द हो गया। अर्थ से शब्द और शब्द से अर्थ। अब शब्द से अर्थ का दृष्टांत दे, रसगुल्ले का नाम सुनते से अभी अपने तो बहुत दिन से नहीं खाओ, कब मिलेगा वो, अर्थ की बेचैनी होने लगी, अर्थ में वस्तु की बेचैनी होने लगी, नहीं होती बेचैनी, होती ही नहीं होती है आपको। जब शब्द की बेचैनी होती तो घर जाके आप जिद करने लगते, जिद नहीं बनाओ, बनाओ भिंडी बनाओ, कहाँ खाने थे मतलब, बनाओ बहुत दिनों से नहीं बनाई तुमने, खीर नहीं बनाई, खीर बनाओ। शब्द से अर्थ की बेचैनी होने लगी, अर्थ को देख कर शब्द, समझ में। तो ऐसा अपनी भूमिका में नहीं होता है, ऊपर की भूमिका में भी होता है, इसलिए कह रहे घबराओ मत। यदि ऐसे संक्रमण हो रहे हो अर्थ के, शब्द से शब्द के अर्थ में, घबराओ नहीं, तुम्हें भी होते हैं, ऊपर तक हो रहे हैं, ये कहना है हमें, निश्चिंत रहो। देखो आगे क्या लिख रहे, अनेक प्रकार के आलम्बन लेने से जो पृथकत्व विचार नाम का शुक्ल ध्यान है उसी में आपका मन स्थित रहा, परंतु कसाय पृथकत्व विचार, समझिए जो चीज जानने में आ रही है उससे पृथक, शब्द से अर्थ, अर्थ से शब्द, पृथक मन अलग, ठीक। और एक एकत्व वितर्क होता है, एक ही का विचार चलता रहता है, इस शुक्ल ध्यान की भेद है, सब शुक्ल ध्यान की भेद है, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया पद प्रतिपादित है ना। तो आगे देखो, उसी में शुक्ल ध्यान है, उसी में आपका मन स्थित रहा, परंतु कषाय का निरोध हो जाने से यहां आप संक्रमण से रहित हो गए, आप संक्रमण से रहित हो गए, अब आप नहीं बदलोगे, आप एक ही रूप रहोगे, अब कसाई से अकसाई से कसाई नहीं हो जाओगे, आपको कुछ नहीं हुआ, ये भगवान की भक्ति हो गई। एक पदार्थ के अग्र में मन को रोकने वाली आपके एकाग्र है ना, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, आपके मन की गांठ खुलते ही उस क्षीण मूल गुणस्थान के अंत में ये आगे कहा जाने वाला अनंत तेज उदित हुआ, मैंने आप कहेंगे केवल ज्ञान प्रकट हुआ, आगे कहेंगे, पढ़ो हिंदी पढ़ने से। अगले क्षण में उसकी बात आई है ना, तब संक्रमण की खास बात है इसकी, आगे समझ में आया कि नहीं। अर्थ से शब्द और शब्द से अर्थ, ये ऑटोमेटिक चला करता है, योग संक्रांति होती है, ठीक है। आगे देखिए, हे भगवान, आपने छपक श्रेणी चढ़ते समय शुक्ल ध्यान का प्रथम चरण प्रतकत्व वितर्क, वितर्क माने विचार, अविचार को धारण किया था, आपने धारण नहीं किया था, वो तो होता ही है, अपने आप ही होता है ना। इस ध्यान काल में शब्द संक्रमण, अर्थ संक्रमण तथा योग संक्रमण परिवर्तन होता था, है? गलत लिखा, अविचार नहीं, विचार, अविचार, पहला विचार से थे, दूसरा अविचार, हाँ देख लें, अविचार इसको सही करवा देंगे ना, यहाँ विचार होना चाहिए, प्रतिकत्व विचार, विचार, हाँ विचार,
प्रतकत्व वितर्क विचार को धारण किया। इस ध्यान काल में शब्द संक्रमण, अर्थ संक्रमण, योग संक्रमण परिवर्तन होता था अपने आप ही ना। उक्त ध्यान में आपका मन आठवें से दसवें गुण स्थान तक लगा रहा, या आठवें से दसवें तक की बात आ गई, परंतु किंतु दसवें के अंत समय तक समस्त कषाय के अभाव अर्थात क्षय के कारण आपका शुक्ल ध्यान का द्वितीय चरण एकत्र वितर्क अविचार प्रकट हुआ। अब एकत्र रह जाएगा, अब बदलेगा नहीं। इस ध्यान में समस्त संक्रांति परिवर्तन समाप्त हो गई। बारहवें स्थान में समस्त संक्रांति समाप्त हो गई। इसके फलस्वरूप शेष घातीय कर्मों का क्षय होकर अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। इसकी चर्चा कल करेंगे अपन। अभी समझ में आई बात, क्या कहा अपन ने? आठवें से दसवें गुण स्थान तक याद ही रख लो, कोई बात नहीं। आठवें से दसवें गुण स्थान तक प्रतिकत्व विचार का विचार होता है। विचार माने विचार, चिंतन चलता है। दसवें गुण स्थान तक भी विचार चलते रहते हैं। अब तुम भी स्थिर नहीं हो सकते, कुछ समझो, तुम भी स्थिर नहीं हो सकते। तुम सामायिक करते हो तो एक विचार में स्थिर हो जाते, घबराना नहीं। सभी सामायिक करने वाले अपने क्या लगता है, बस ईमानदारी भगवान दिखते रहे, बस एक आत्मा ही दिखता रहे, बस एक ज्ञान, बस आठवें से दसवें गुण स्थान तक भी पृथक पृथक विचार का संक्रमण होता रहता है। कहीं वस्तु याद आती है, कहीं शब्द याद आते हैं, कहीं योग संक्रांति होती है। ये चलते ही रहता है दसवें गुण स्थान तक। हाँ, एकत्र वितर्क विचार वो भाव पर होगा। उसके बाद यही तो समझाना चाह रहे हैं तुम्हें। तुम जो निर्विकल्प कहते हो उसकी कल्पना बहुत ऊंची नहीं करना। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। मैं इसको कई बार समझा चुका हूँ, फिर भी कहो तो एक दृष्टांत दे रहे। अभी सबको लगता है निर्विकल्प माने कि बारह गुण स्थान, बारह गुण स्थान जैसे निर्विकल्प कैसे हो सकते है? छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान में अभी चौथा ही सेकंड की स्थिरता बताई, चौथा ही सेकंड की मैक्सिमम वो भी पौन सेकंड चौथा ही सेकंड, पौन सेकंड चौथा ही सेकंड में चौथा गुण स्थान। इन अनुमान से कहने के लिए आधा सेकंड पंचम गुण स्थान के लिए, पौन सेकंड छठे गुण स्थान के लिए, ये सब समझाने की शैली है। लेकिन आप ये समझो कि आपको भी यदि सामायिक करते समय उपयोग स्थिर नहीं होता हो तो घबराना नहीं, सामायिक मत छोड़ना। अंत तुम्हारा वजन तो इतना है कि ज्ञाता है, बस चलता रहेगा दस गुण स्थान तक ऐसा सारा। अब निर्विकल का दृष्टांत दे देता हूं, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। निर्विकल माने जैसा तुम सोच रहे वैसा नहीं, निर्विकल माने बहुत विचारों के तूफान के बीच में निर्विकल। क्या बोला? यदि ये लाइन समझ में आ गई तो बहुत मजे करोगे आज। बहुत विचारों के तूफान के बीच में निर्विकल कैसे? जैसे किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही थी, दिया था दृष्टांत, 30 साल की लड़की हो गई, अरबपति बाप है, और 30 साल की लड़की हो गई, शादी नहीं हो रही, बताओ निर्विकल्प है कि नहीं है लड़की के प्रति, शादी के प्रति? अब तुम जे सुनो, वो एयर कंडीशन में सो रहा है, खुर्राटे भर के सो रहा है, आराम से सो रहा 3 घंटा, उस समय हम पूछे वो निर्विकल्प है कि नहीं? शांति से सो रहा है, खूब खा रहा है, हंस के टीवी देख रहा है, आईपीएल मैच, बोलो उसे लड़की के प्रति शादी के प्रति विकल्प है कि निर्विकल्प है? बताओ, समझ में आ गई विकल्प? अब उसकी सगाई हो गई, अब वो दौड़ दौड़ के काम कर रहा है, दौड़ दौड़ के मई जून की गर्मी में दौड़ रहा है, पसीना पसीना, खाने तक की सुध नहीं है, पीने तक की सुध नहीं है, दौड़ दौड़ के काम कर रहा है, इतना काम पड़ा है, इतना काम पड़ा है, वो झाड़ू लगना है, वो टेंट लगना है, मिठाई बनना है, मेहमान आना है, अरे जीजा जी आ रहे, उन्हें लेने जाना है, दौड़ रहा है बेचारा। बताओ निर्विकल्प है कि सविकल्प? समझ आ गया? कुछ समझना, बहुत ध्यान से दृष्टांत। हाँ, ऐसे ही मुझे आत्मा के संबंध में कोई विकल्प नहीं बचा, बाकी विकल्प चलते रहे। यदि मिथ्यात गुण स्थान में ही इतना निर्विकल्प हो जाए तो मुनि बनने की जरूरत कहां पड़ेगी? मिथ्यात के समय में इतने समय दर्शन के लिए निर्विकल्प होता है कि आत्मा की सत्ता के बारे में अब हमें कोई संशय नहीं। दृष्टांत, जैसे लड़की की शादी के बारे में अब हमें कोई सल नहीं बची, जब तक नहीं हो रही थी तब तक हम निर्विकल्प नहीं थे, अब निर्विकल्प हो भैया, तो निर्विकल्प हो अब तो कुछ नहीं। कहा भैया तुम थक रहे? अरे कहा थक रहे? अरे तुम हम देखो तो सकल तो देखो। अरे कहा सकल देख रहे? हम निर्भर हो गए, निर्भर हो गए क्यों? निर्विकल्प हो गए। समझ में आया क्या कहा? विचारों के तूफान के बीच में निर्विकल्प।
आत्मा की सत्ता के बारे में निर्विकल्प हो गई। एक द्रव दूसरे का करता नहीं है, ये निर्विकल्पता का कारण है। एक प्रजा दूसरे प्रजा में कुछ नहीं करती, ये निर्विकल्पता का कारण है। सभी इतनी गालियां दे रहे, तुम शांति से बैठे, तो हम क्या करें बताओ? उनकी गालियां हमारा कुछ कर नहीं सकती, इसलिए हम निर्विकल्प। सभी श्राप दे रहे, अभिशाप दे रहे, क्या क्या करते हो, हार दे रहे, देन जी हमारे जैन दर्शन मिला है हमें, इसने बताया कि किसी की श्राप नहीं लगती, इसलिए हम निर्विकल्प बैठे। समझ में आया कि नहीं आया? तुम रसगुल्ला मुंह में रखो और 100 लोग गालियां दें तो बताओ रसगुल्ले का टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? निर्विकल्प क्या कहोगे? निश्चिंता नहीं, निर्विकल्प। वहां बहुत प्यारा है निर्विकल्प। फिर कह रहे आत्मा की सत्ता के बारे में निर्विकल्प है, निशंक है, निकांचित है, निर्विचिकित्सा सब निर्विकल्प। नाम ऐसे नहीं बैठा, कैसे बैठा जिसका अपने खनिया था नहीं बैठा, हम कैसे चिमा के बैठ गए? चिमा के नहीं बैठा मास्टर, बिना अनुभव करे निर्विकल्प सोचते रहे ना तुम। हमने तो अपनी बात किया, ओम नमः शिवाय। भैया अब दिवाली आ रही है, वैसे तो कोरोना है, समझ गया होंगे, तो दिवाली फीकी तो रहेगी, हम चाहे और फीकी हो जाए थोड़ी सी, लेकिन अपन चाहते हैं कि आनंद कर सकते हैं। एक सप्ताह का कार्यक्रम बनाओ सब लोग, एक सप्ताह में एक दिन गायन प्रतियोगिता हो जाए, एक दिन भजन प्रतियोगिता हो जाए, एक दिन लेखन प्रतियोगिता हो जाए, कविता हो जाए, एक दिन में कभी बच्चे लोग पोस्टर बनाए फटाके फोड़ने से कौन कौन सा पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्या क्या होती है, इस पेपर इनाम इनाम रखें अच्छी से बढ़िया। हमें तो चार पूरा खरीदा था ना कि लोग इसमें भाग लें, पैसा खर्च हो जाए कच्ची बात नहीं, पूरे खरीदा दाना में व्हाट्सएप पे आजकल तो विज्ञापन के लिए वो खबर पहुंचा, और सब लोग पढ़ो इंटरनेट पे जाकर है। चलो एक तो ये करना है, तो 7 दिन का कार्यक्रम पूरा बना, 7 दिन में 7 दिन तक आपको महावीर भगवान का पुराण पढ़ना है, सभी लोगों को महावीर भगवान का पुराण 7 दिन में पढ़ना है। मंदिरों में ढूंढ के रखो, निकाल के रखो, अपने घरों में तो निकाल के रखो, जो नहीं पढ़ रहे अपने घर में तो निकाल के रखो। माने मंदिर में इतनी प्रतियां होनी चाहिए महावीर पुराण की, ये 24 तीर्थंकर में से महावीर भगवान का पुराण दोनों ही है, पुराण भी है 24 तीर्थंकर का भी, तो उसमें से वो पढ़ा जाए, उसके आधारित निर्वाण कल्याण संबंधी प्रश्नोत्तर हो। एक बार अपने शिखर सम्मान समारोह किया था, बहुत साल हो गए है ना, शिखर सम्मान समारोह में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ था उस दिन, आलोक एक आलोक दया और तुम्हारा वो राजीव, नहीं तुम्हारा राजीव, ये दो ही बच्चा फाइनल में आए थे, याद हो गया था, खूब बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारा मतलब ऐसे कार्यक्रम फिर करो 7 दिन में, अपने को लगना चाहिए कि हमने निर्वाण महोत्सव मनाया, दिवाली तो हमारे होती नहीं, निर्वाण महोत्सव होता है। महावीर भगवान ने अहिंसा परमो धर्मा कहा और उन्हीं के नाम पे हम चटपटी फोड़े, उन्हीं के नाम पे भुंजड़ी फोड़े, उन्हीं के नाम पे पटाखे फोड़े। आप चाहे तो अखबार में जाके देखो, पटाखे बनाने वाली कंपनियों में इतने इतने से बच्चे काम करते हैं, उन्हें कैंसर हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे गरीब होते हैं बेचारे, फटाके में बारूद भरते हुए बैठ करके तो सांस लेते हैं, सांस तो उसमें भरती चली जाती, जैसे अपन पुटास होती है पुटास फटाके की, अपने खुशबू आधी अंदर अंदर भर जाते, तो कितने बच्चे बेचारे 25-30-35 साल में एक्सपायर हो जाते। फटाके की कंपनी में जितने लोग बनाने के काम करते हैं फटाके में सब मारे जाते बेचारे। ग्वालियर में आग लग गई थी, पूरा मार्केट जल गया था, कितने लाखों लोग अपंग हो जाते हैं फटाकों के द्वारा जलने पर, आंख फूट जाती है, पैर जल जाती है। ये हम अपने बच्चों को भी बता, महावीर भगवान ने जब अहिंसा परमो धर्म कहा था, हमारा तो पहला कर्तव्य कि महावीर भगवान का निर्वाण कल्याण माने आनंद सुख, और उसका वसा हम फटाके फोड़ने से मना, ये तो ठीक नहीं। सभी लोग इसको खूब विचार भी करें, कार्यक्रम 7 दिन का बनाए, जरूर आपको कहानी पढ़नी है जो मैंने बताई है आपको,
महावीर भगवान की उस पर चर्चाएं भी हों, डिबेट क्या चलाती वो बाद विवाद तो नहीं, भाषण प्रतियोगिता समझ लो, परिचर्चा समझ लो, परिचर्चा हो। महावीर ने क्या दिया, फटाका छोड़ना सिखा दिया है। अरे क्या कह रहे, हाँ कि नहीं, फटाका फोड़ना सिखा दिया कि छोड़ना सिखा दिया, जो भी कैसे बोल। तो ऐसे नारी लगा एक दिन नारी प्रतियोगिता करो, नारी प्रतियोगिता, और यहाँ सब में सजाएंगे नारी प्रतियोगिता, और एक दिन लेके जुलूस निकालो नारी ले लेकर अपने 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 बनाए हुए, बिल्कुल जुलूस। और हमने अभी इनसे कहा है नुक्कड़ नाटक भी होगा, नुक्कड़ नाटक माने अपने पूरे गांव में घूम घूम करके सिलपुरा तक नाटक होगा, बाकायदा लेके जाएंगे बजाने का अपने पास ड्रम ड्रम और डीजे डीजे आवाज ऐसी बॉक्स, तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उनके बीच में फटाके फूटने पर कैसे आंख फूट जाती है, फटाके फूटने पर कैसे कपड़े जल जाते हैं, उसकी एक्टिंग वगैरह होगी, जो भी माने इससे संवाद लिखे जा रहे। तो पूरे गांव में इस बार अलग प्रकार का, तुम उसमें भाग लेना, दोनों जने दोनों ही तीन और चार और तुम भी लेंगे, समझिए हाँ। और इन लोगों को शर्ट पहनाना वो वाली फटाके वाली सर्वोदय वाली, और उसकी वीडियो डलेगी, तुम्हारी बनेगी वीडियो, वो डलेगी सब व्हाट्सएप पे, और तुम उसमें कहोगे इस बार मैंने फटाके नहीं फोड़े, आपने क्या, मैंने फटाके छोड़ दिया क्या आपने, ऐसे ऐसे बढ़िया एक्टिंग कर, इनकी एक्टिंग लेना बढ़िया अच्छी, और फिर ये सारे विश्व में जाएगी वो, ठीक है। तो ये सब कार्यक्रम होंगे, और मैंने सबके सामने क्यों कह दिया बात कि जिनके दिमाग में काम आ रहा हो समझ में कुछ तो लिखो, जिसका सबसे अच्छा संवाद होगा नुक्कड़ नाटक में लेंगे, बन जरूरत पड़ेगी तो चार पांच नाटक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नुक्कड़ नाटक बड़ी सरल होती करेंगे वो, ठीक है। तो सब लोग बच्चियां भी लिखना इसमें, बच्चे भी लिखना, स्लोगन लिखो, स्लोगन नारी, ठीक है। चिटपिटी मुझे फोड़ना है क्योंकि निको जाना है, ऐसा नारी लिखो एकदम बढ़िया, कहा भाई फटाके चलाओ कि नहीं चलाओ, बिल्कुल फटाके चलाओ कि नहीं चलाओ, ना है देखो उसे मना कर दिया, चलो ठीक है बोलो, अब बोलो उसके संबंध में विशेष जानकारियां प्राप्त हुई, उसी संबंध में कुछ बिंदु लिखे थे आदरणीय पंडित साहब द्वारा बताए गए। मैंने तो चूंकि ये क्वेश्चन लिखा था 8 नवंबर का, 14 नवंबर को दीपावली है, अपनी 15 नवंबर को है, और मैंने 8 नवंबर का उस दिन रविवार आ रहा है पड़ेगा उस दिन का प्रोग्राम लिखा था, लेकिन आदरणीय पंडित साहब द्वारा भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि 7 दिवसीय प्रोग्राम बनाया जाए। ये जो जितनी भी प्रतियोगिताएं पंडित साहब ने बताई हैं, नारे नीति से संबंधित अहिंसा से लोगों की 10 प्रतियोगिताएं इन्हें लिखी है, इनका व्यवस्थित एक मैसेज आप सबके पास व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचेगा, और किस दिन कौन सी प्रतियोगिता रहेगी उसकी जानकारी भी आपको व्यवस्थित उसके माध्यम से मिलेगी। एक विशेष जो कार्यक्रम इसमें रखना चाह रहे हैं वह है ई वे टू अहिंसा संकल्प सभा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस सभा में ऐसा विचार किया कि विश्व के अनेक जो ऐसे प्रसिद्ध समुदाय हैं जो अहिंसा का सपोर्ट करते हैं, अहिंसा के लिए काम करते हैं, जीव और जीने दो के संदेश में अपनी भावनाएं रखते हैं, ऐसे अनेक संगठनों को जोड़ेंगे और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक सभा का ई सभा का आयोजन करेंगे, जिसमें अपने जैन समाज के चाहे वह दिगंबर हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, उनके अनेक अनेक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वह तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ में अनेक प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसमें जोड़ेंगे, और भगवान महावीर के अहिंसा संदेश को विश्व स्तर पर सबके समक्ष पहुंचाने का ये लघु प्रयत्न करने का ऐसा विचार किया है। आप सबका इसमें सहयोग प्राप्त हो, और यह अहिंसा सभा रहेगी, अहिंसा सभा का उद्देश्य शब्द के माध्यम से संपूर्ण देश के लोगों तक एक अहिंसा संकल्प को दिलाना है कि हम इस दीपावली में मात्र पटाखे ही नहीं फोड़े, क्योंकि प्रशासन भी इस बार अनेक प्रयत्न कर रहा है, और दैनिक भास्कर में, दैनिक जागरण में, अनेक अनेक पत्रिकाओं में यह संदेश शासन के द्वारा अभी प्रसारित हुए हैं, तो अपन सब उनका संबंध लेकर के
इन सब बातों को संपूर्ण देश के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। यह पूरा कार्यक्रम इसकी रूपरेखा संक्षेप में कल संपूर्ण प्रतिगणों की मीटिंग के संभाग पर आयोजित हुई थी, जिसमें दाओ सरजी और अन्य सभी प्रतिगण उपस्थित थे। उनके समक्ष भी यह प्रस्ताव रखा था, तो ऐसा विचार हुआ है यह कार्यक्रम अपने श्री नैमिनाथ दिगंबर जैन न्याय मंदिर ट्रस्ट अंतर्गत संचालित नंदीश्वर विद्यापीठ के बैनर तले संचालित हो, ऐसी सबकी भावना है। आप सब इसमें जुड़े और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें, ऐसी भावना के साथ आदरणीय पंडित साहब का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। इंटरनेशनल होगा जी, इसमें दो बजे लोग शामिल होंगे, बोल रहे हैं इंटरनेशनल ही करता, अमेरिका से बोल रहे हैं इंटरनेशनल नाम करते उसका। और अजहर हाशमी, अजहर हाशमी को मान लगा, अजहर हाशमी है ना, वो प्योर जैन है। वो एक अभी अपने पता नहीं होगा किसी को, 10 लक्षण पर दैनिक भास्कर में 10वें दिन लेख उनका आया, अजहर हाशमी है मुसलमान भाई, उसने 10वें दिन इतना बढ़िया लिखा है, चाहो तो 10 दिनों के अखबार निकालो पढ़ के देखो कितना अच्छा लिखा उन्होंने, एक भी लाइन में मिस्टेक नहीं। और रोजाना उन्होंने धमला की कोटेशन दिए, रोजाना हमें ग्रंथों की कोटेशन दिए, बड़ी बड़ी रत्नाकर साहब का चार और तुम्हारे क्या नाम है जो जो बड़े ग्रंथ प्रसाद सिंह दिए पाए, सबके कोटेशन दिए। मैंने अजहर हाशमी से संपर्क कर लिया, उनकी वेबसाइट है। इस बार संपूर्ण देश में तो कोरोना था, लेकिन इस कोरोना काल में हमारे नगर का, हमारी संस्था का महापुण्य रहा, पुण्य ऐसे रहा कि आज अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भले ही नंदीश्वर माध्यम से, माननीय भाई साहब के माध्यम से, पंडित अभिनंदन कुमार जी के माध्यम से सभी खड़िया आने का नाम जानते थे, लेकिन देश में जो कार्यक्रम माननीय कोरोना के समय संचालित किए गए और वह कार्यक्रम हमारे यहाँ पे भी भले ही अधिक जानकारी खड़िया माना नहीं, क्योंकि एक खेल का विषय था कि खंड माने के लोग कम हुए थे और देश विदेश के हजारों लोग, 6-8 हजार लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा और देश विदेश में खंड माने का बहुत नाम हुआ और उस नाम को अब उसकी पुष्टि भी पोषण भी बराबर करना है। अनेक साधन भी माने बराबर हुए और अब कुछ ना कुछ गतिविधि हमारे यहाँ से संचालित होती है, ऐसी भावना है। कल आदरणीय राम वगैरह दृष्टि का सब उपस्थित थे और सबके सामने ये बात रखी है कि जो प्रचार प्रसार हमने जिस मोदी से मैंने प्रारंभ किया है वह बराबर आगे बढ़े और भाई दीपक जी शास्त्री की इसमें अधिक रुचि है, हम लोग उसमें कम समझते हैं प्रोग्राम में और आदरणीय भाई साहब का पूरा अपना आशीर्वाद है, तो बहुत सारे कार्यक्रम गतिविधियां यहाँ से संचालित होने वाली है और वह सब आपके सामने आए हैं, सबका आपका सहयोग मिले और भी आपके जो परामर्श हो उनको बराबर हमें दी गए। साथ ही सभी दृष्टिगणों की ओर से, दृष्टिमंडल की ओर से, पूरे समाज की ओर से आदरणीय भाई साहब से ये हमारा निवेदन और आग्रह है कि आगामी 18 तक तो कहीं का भी प्रोग्राम भाई साहब का रहा और विशेष ध्यान रखने की सभी की ऐसी भावना बनी है कि अच्छे रूप में रखें और जब तक ये कोरोना की भी समाप्ति हो जाएगी, पर हम आदरणीय भाई साहब की स्वीकृति मिलने पर विधान की तैयारी आगे से करेंगे और परिस्थिति जैसी उस समय रहेगी, माने ऑनलाइन कार्यक्रम तो होगा ही होगा और सामाजिक व्यवस्था में यदि परिस्थिति रहे कितने लोग उपस्थित हो सकते, कितने लोग भाग ले सकते, क्योंकि अचानक ही कई परिस्थिति वर्तमान समय के अनुसार समय समय पर बन जाती है, तो वो निर्णय हम उस समय लेंगे, लेकिन अभी से हमारी पूरी तैयारी उसी हिसाब से चल रही है, बहुत आनंद कार्यक्रम होगा, प्रसन्न होगा, इसके लिए आदरणीय भाई साहब की स्वीकृति चाहती है और शिवा जी के भी जो प्रोग्राम भाई साहब ने बनाया है उसके संबंध में भी आया है कि वहां के कलेक्टर ने, प्रशासनिक अधिकारी ने ऐसा मानना वहां लिया है कि भाई यात्रा के लिए तो खोला जाए शिवा जी, तो सबने खुशी जाकर हो गई वहां कमेटी के लोगों ने, व्यापारियों ने, दुकानदारों ने कि भाई अभी यात्रियों का आना चालू होगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये शर्त लगा दी कि जो भी पारसनाथ स्टेशन पर उतरेगा पहले वो 14 दिन क्वारंटाइन रहेगा और क्वारंटाइन के बाद ही वो वहां, तो ये खेल का मतलब ये है अब जो पहले जाएगा वो 14 दिन पहले क्वारंटाइन रहेगा और फिर वो गवर्नमेंट में भाग नहीं सकेगा। तो आदरणीय भाई साहब से समाप्त होना सभी का आग्रह है, मैं सभी की ओर से बात रखता हूँ और किसी का अगर इसमें ऐसा हो कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो अपना ऊंचा कर सकते हैं और सभी की भावना है कि इतने आनंद से ये सब कार्यक्रम चल रहा है अभी तक,
और ये अचानक आप तो भाई साहब कहीं जाने का निर्णय ना ले और भाई पीपल जी से निवेदन करते हैं कि अचानक के कार्यक्रम और भाई साहब से परामर्श करके समावे सभी समाज का शिष्टमंडल का सभी संस्थाओं का सभी का सहयोग ऐसा अपना समय भी देना है। भावना भाव रेली कर